मुरैना जिले में शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। अवैध शराब बेचने की शिकायत करने पर महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महिलाओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक कमलेश जाटो और पूर्व पार्षद गब्बर जाटो के समर्थक अवैध शराब बेच रहे हैं। महिलाओं ने एसीपी दफ्तर यानी एसपी दफ्तर पहुंचकर मदद की गुहार भी लगाई है। पूरे मोहल्ले में दारू बिक रही है, उसको बंद कराया जाए। ये शिकायत मैंने दी थी तो एसपी साहब ने मुझे हफ्ते का टाइम दिया था, तो हफ्ते से पहले ही जो समझ लो अब तो वो माफिया इतने हावी हो गए हैं कि गाली गलौज कर रहे हैं, रोडों पे धर के सरेआम दारू बेच रहे हैं। कार्रवाई पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। एक हफ्ते का टाइम दिया है, एक हफ्ते में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो सस्पेंड किया जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, अभी तक तो कोई सस्पेंड नहीं हुआ। सिंगल बस्ती की कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आई थी, उनकी समस्या सुन ली गई है और तत्काल ही थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देश दिए गए हैं। फोर्स तुरंत ही सिंगल बस्ती रवाना कर दिया गया है। थाना प्रभारी भी यहाँ बुलवा लिए गए थे और उनसे रूबरू करा के उस पर जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो कराई जा रही। जिस प्रकार से मुरैना जिले का प्रशासन काम कर रहा है, मुझे लगता है कि प्रशासन नहीं काम कर रहा है, यहाँ माफियाओं को थाने दे दिए गए। जिस प्रकार से थानों का आवंटन है वो तय कर लेते हैं कि किस थाने में कौन माफिया बैठेगा और किसके इशारे पर काम करेगा। जब थाने पैसे लेकर बांटे जाएंगे तो शराब का धंधा हो चाहे रेत का धंधा हो, ये खुलेआम चलेगा। और मुझे लगता है कि इस मुरैना की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब के इस कालखंड में हो रहा है।